हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनू रेसिपी एंड ब्लॉगर में। आज हम आपको बताएंगे कि गंगापुर करौली की सबसे फेमस मिठाई खीरमोन कैसे बनाई जाती है, वह भी आसान तरीके से। तो बिना कोई देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं खीरमोन कैसे बनाए जाते हैं। हमें खीरमोन बनाने के लिए सबसे पहले दूध लेना है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और अब हम इसे बॉयल होने के लिए रखते हैं। अब इसके अंदर हम नींबू का रस डालेंगे और आप विनेगर भी डाल सकते हैं जिससे कि दूध फट जाए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और ये दूध अभी फट जाएगा, इसको चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब इसे हम अलग निकाल के छान लेते हैं और इसको अच्छे पानी से धो लेते हैं, और नहीं तो इसमें खट्टापन रह सकता है। इसको अच्छे से पानी से धोएंगे। हमने इसको अच्छे से धो लिया है, ये देखिए। अब इसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है, अच्छे से पानी से साफ करके धोया है। हमारे खीरमोन दानेदार बने इसलिए हम इसके अंदर 2 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। 2 से 2.5 चम्मच और मीठे के लिए 2 चम्मच चीनी बूरा डालेंगे। अब हम इनको अच्छे से मैश करेंगे और बॉल्स बना लेंगे इनकी मेश कर। तैयार करनी है, इसके लिए हमें 2 गिलास पानी लेना है। और 300 ग्राम चीनी डालनी है। और इसे बॉईल होने देना है। अब हम इसे बॉईल करते हैं। हमें खीरमोन बनाने के में कलर डालने के लिए एक चाशनी और तैयार करनी है, सूखी चीनी वाली। इसको गर्म होने देना है कुछ देर के लिए। ये 2 ही चम्मच लेनी है और ये बिल्कुल पानी हो जाएगी, अभी हम करते रहेंगे इसको।
हमारे इसमें कलर आ गया है और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए हमारी ये चाशनी बनकर तैयार है कलर वाली, इससे खीर मोहन में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब हम इसको उतार देते हैं। हमारी चाशनी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, अब हम इसमें एक एक करके बॉल्स डालेंगे। अब हम इसके अंदर कलर के लिए जो हमने पहले जो चाशनी बनाई थी उसको डालेंगे ताकि इससे कलर अच्छा आ जाए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। इसको घुमाएंगे, हमें ऐसे ही 15-15 मिनट में 3 बार चेक करने हैं। बनने में ये करीब 45 से 50 मिनट लेते हैं और हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और ये अच्छे से चाशनी इनके अंदर चली जाएगी और हल्के आंच पर इनको चलने देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे खीर मोहन कैसे हैं। बहुत बढ़िया, हमारे खीर मोहन बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत सुंदर खीर मोहन बने। अब हम गैस बंद कर देते हैं, हमारी चाशनी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखो बहुत सुंदर खीर मोहन बने। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम घर जैसे खीर मोहन बने। इन्हें आप घर पर भी बना सकते हैं कम सामग्री में। हम इन्हें ठंडे होने के लिए रखते हैं।